झारखंड सरकार द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा विश्व बैंक संपोषित 14 से 24 आयु वर्ग के किशोरियों एवं युवतियों के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु तेजस्वनी परियोजना संचालित की जा रही है। आज श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सभी श्रमिक मित्र गोड्डा जिला एवं श्रमिक संघों के साथ बाल श्रम अनुमूलन हेतु क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने एवं प्रचार प्रसार करने हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गई। आज पुलिस अधीक्षक तुमका अंबर लकड़ा के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की गई। क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी एवं डीएसपी और इंस्पेक्टर को खास तौर पर क्राइम कंट्रोल। रांची में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। कारोबारी बाबूलाल प्रेम कुमार व प्रेम सन्स मोटर्स के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की ओर से छापेमारी की जा रही है। रांची में सुबह 5:30 बजे से ही 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में पटना, बनारस, जमशेदपुर एवं धनबाद की टीम शामिल हुए। रानीश्वर थाना क्षेत्र के पथरा गांव के रेशमा बीवी की शादी 12 साल पहले मोहम्मद रियाज के साथ हुई थी। वहीं मोहम्मद रियाज की मृत्यु हो चुकी है। पति के निधन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा विधवा पेंशन। कहां शादी हुआ था? दिल्ली में। कितने साल पहले? 10 साल पहले। तो पति का ध्यान कैसे हुआ? देवघर जिला के चित्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकटिया बराज में नहाने गए 5 युवकों में से 2 युवक की डूबकर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा बीच बचाव करने की कोशिश की गई पर फिर भी लोग रहे असफल। उसके बाद चला गया, वह बच्चा तो बचे, अपना दिमाग से कि नहा लेंगे, नहाने में घुस लिया तो तान लिया पानी। हम लोग को घर में बाद में पता चला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में मुखिया पंचायत समिति और वार्ड सदस्य के पदों पर जीत हासिल करने वाले आमिया संगठन व झारखंड छात्र पदाधिकारियों का आज होटल कैन रांची में स्वागत किया एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। पंचायत चुनाव 2022 में जो जनप्रतिनिधि अलग अलग पदों में जीते हैं और जो झारखंड छात्र संघ और आमिया संगठन से जुड़े हुए थे, आज रांची में होटल केन में उन लोगों को जो है सम्मानित किया गया। सुल्तानगंज के उदाहित गांव में जल जीवन हरियाली के तहत लगे 40 वृक्षों को असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात काट दिया गया। गंगा दशहरा के मौके पर सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान करने श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल सहित कई पड़ोसी राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। कितने वर्षों से आप जा रहे हैं देवघर? हम 12 साल हो गया। 12 साल से? हाँ। कहाँ से आए हैं सर? हम मालदा से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल। मालदा। क्या नाम है आपका? रिजास चक्रवर्ती। पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल जाते हैं। स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सिपाही अपराधी कोर्ट परिसर से हथकड़ी सहित हुआ फरार। पुलिस की तत्परता से दोबारा उसे पकड़ा गया। भागलपुर जिला में अपराध और घरेलू आपसी हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक मामला नवगछी अनुमंडल के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव से सामने आया है, जहां मामूली जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई धर्वेंद्र कुमार यादव को अपने ही भाई अवधेश यादव को कुदाल से काटने का आदेश दिया। 8 बजे सुबह में, रात में पहले रट्ठा लगाया, कुछ नहीं बोले। 8 बजे सुबह में घुमा दिया है आदमी को, कोई बोले कि अभी कोई झगड़ा लड़ा। जगतपुर झील पर्यटन स्थल के रूप में जल्द होगा विकसित। कई दुर्लभ पक्षियों का नजारा दिखेगा पर्यटकों को। अभी हम लोग काम शुरू करा रहे हैं, ठीक है, मनरेगा के माध्यम से हम लोग इसमें काम कराएंगे। पहले जो है जो वहाँ जलकुंभी वगैरह जम गई है, पानी का जो इनलेट या आउटलेट का जो चैनल है उसको ठीक कराना है। राजू तिवारी ने कहा, जाति के साथ साथ बेरोजगारी की भी हो गणना। नवगछिया में लोजपा एम्बुलेंस के कार्यकर्ताओं को राजू तिवारी ने किया संबोधन। एडीजे सीआईडी
सह कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर, कई बिंदुओं पर हुई बैठक। ये पुलिस हेडक्वार्टर से ही 16 बिंदुओं पर समीक्षा के निर्देश है सर, तो उसी के लिए तो समय हाँ, जो गंभीर कांड है उसमें गिरफ्तारी और सार्वजनिक स्तर पर फायरिंग। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत समर कैंप में चल रहा है जूडो कराटे का कार्यशाला, चयनित खिलाड़ी कर सकेंगे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। यहाँ पर जो है ट्रेनिंग कैंप चल रहा है एक दिन का, एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। इस जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे वो 10, 11, 12 तारीख को पटना में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वहाँ पर जो खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण और औषधि विभाग में किया पौधारोपण। अगले 50 साल का भागलपुर कैसा होगा विषयों पर प्लान करने की हुई बात, स्वच्छ पवन नील गगन प्रोजेक्ट को साकार करने पर हुई वार्ता। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कई बिंदुओं पर बैठक कर अधिकारियों से ली जानकारी। उन्होंने अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पोषाहार और पोषण से संबंधित कई बिंदुओं पर वार्ता हुई है, साथ ही साथ जन वितरण प्रणाली को सुगमता से चलाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। लैंडलॉर्ड है लेकिन राशन कार्ड बना लिए किसी प्रभाव में आकर के, तो इस पर एक काम चल रहा है, जिला में चल रहा है। कासिमपुर गांव में जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ व थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को कई जगह करना पड़ा जद्दोजहद, कई जगह हुई झड़प। तोड़ने के लिए पहले मैंने बगीचा वाले जो है ना, बगीचा हीरा लाल, उसका नाम क्या है नाम उसका, हीरा लाल भगत आया था तोड़ने के लिए, और 10 मिनट के अंदर में जिसे भी घुसाया प्रशासन के साथ आया, 10 मिनट के अंदर में पूरा तोड़ दिया। दिल्ली में असाउद्दीन ओवैसी पर मामला दर्ज, स्वामी यति नरसिंहानंद समेत अब तक 11 के खिलाफ FIR। देहरादून के टिहरी में दर्दनाक हादसा, यूटिलिटी खाई में गिरने से 5 की मौत, वाहन में सवार थे 8 लोग। नुपुर के बयान से आग बबूला हुई ममता बनर्जी, बोली तुरंत गिरफ्तार करो इसे, राउत ने भाजपा पर बोला हमला। पुष्पा के तर्ज पर तस्करी, चारकोल के टैंकर में छिपाया 18 क्विंटल गांजा, मुठभेड़ में 3 तस्कर गिरफ्तार, एक को लगी गोली। मध्य प्रदेश में चोरी के शक में दिल दहला देने वाली सजा, युवक को बांधकर मारते रहे तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, आंखें भी फोड़ दी और जुबान भी काट दिया। इलेक्ट्रिक वाहन जल्द हो सकते हैं सस्ते, ईवी बैटरी पर GST कम करने की तैयारी। RJD से MLC प्रत्याशी मुन्नी देवी का वीडियो वायरल, बोली कपड़े की तरह BJP को सदन में धोएंगी। वीडियो गेम की वजह से लखनऊ के बाद मुंबई में मौत, मां ने खेलने से किया मना तो नाबालिग ने दे दी जान। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए आमरण अनशन के बाद 40 डिग्री पारे में अभ्यर्थी कर रहे नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च। सूचना आयुक्त बोले इस्लामिक देशों को भड़काने वालों पर चल सकते हैं देशद्रोह के केस, प्रशांत भूषण ने दिया जवाब। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का EC ने किया ऐलान, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। तेरह जून को देशभर में ED कार्यालयों के बाहर कांग्रेस करेगी सत्याग्रह, सोनिया राहुल को समन के बाद बनाई रणनीति।